दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने ब्लॉग से डेली हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। तो आप ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ब्लॉगिंग क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन ये वीडियो सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ब्लॉगिंग एक तरह की वेबसाइट होती है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी आप गूगल पे कोई टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको वेबसाइट्स नज़र आती हैं। गूगल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता, गूगल आपको वेबसाइट्स दिखाता है, और उन वेबसाइट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन दोस्तों, शायद आपने ध्यान दिया हो या फिर ना दिया हो, वहां पे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एडवर्टीजमेंट भी लगे होते हैं। तो दोस्तों, यही मेन सोर्स होता है ब्लॉगिंग में अर्निंग करने का। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एडवर्टीजमेंट से कोई कितने पैसे कमा सकता है, शायद 5,000 या 10,000। नहीं दोस्तों, अमित अग्रवाल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो। वो अपने ब्लॉग से पर मंथ $40,000 से भी ज़्यादा कमाते हैं। $40,000 का मतलब है दोस्तों 28 से 30 लाख रुपये पर मंथ वो सिर्फ अपने ब्लॉग से कमाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, एक हर्ष अग्रवाल हैं जो काफ़ी यंग हैं, उनकी एज शायद 30 के आसपास होगी। वो अपने ब्लॉग से पर मंथ $30,000 के आसपास कमाते हैं, जो भी लगभग 20 से 21 लाख रुपए के आसपास होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना ब्लॉग कैसे शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको C++, HTML इस तरह की कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो ये इनफ है एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो blogger.com से आप फ्री में भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉगर के लिए आपको डोमेन बाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप अपना डोमेन बाय करके उसको blogger.com से कनेक्ट करते हैं या फिर WordPress से कनेक्ट करते हैं, तो ये सबसे अच्छा और प्रोफेशनल तरीका होता है अपने ब्लॉग से अर्निंग करने का। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आपके ब्लॉग में एडवर्टीजमेंट कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों, एडवर्टीजमेंट के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने ब्लॉग को प्रिपेयर कीजिए, उसमें कुछ पोस्ट लिखिए, उसके बाद आप गूगल एडसेंस में एड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपके ब्लॉग में एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे और आपकी अर्निंग होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, इन केस आपको अगर एडसेंस से अप्रूवल नहीं भी मिलता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करती हैं। media.net भी एक वेबसाइट है, InfoLinks एक वेबसाइट है। दोस्तों, ब्लॉगिंग से अर्न करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है, उसके बाद आपको उसमें कुछ आर्टिकल लिखने हैं, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस में एड्स के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप बिना आर्टिकल लिखे एड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो गूगल आपके ब्लॉग को अप्रूव नहीं करेगा। जब आप कुछ आर्टिकल लिखने के बाद अप्लाई करेंगे तो गूगल आपके ब्लॉग को अप्रूव कर देगा और आपके ब्लॉग में एड्स आने शुरू हो जाएंगे। एक बार आपके ब्लॉग में एड्स आने लगे तो आपको कोशिश करनी है कि उन एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो लोग एड्स देखने तो नहीं आएंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखें, और ज़्यादा आर्टिकल होंगे तो एक विजिटर जो आपके ब्लॉग पर आएगा वो ज़्यादा देर तक आपके ब्लॉग में टाइम स्पेंड करेगा, जिससे वो आपके ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके ब्लॉग के एडवर्टीजमेंट को भी ज़्यादा देर तक देखेगा, जिससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पे आए, यानी कि ज़्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉग में आए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग में आएंगे, उतने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट को देखेंगे और उतनी ज़्यादा ही आपकी कमाई होगी। और दोस्तों, जब आपका ब्लॉग थोड़ा पुराना हो जाता है तो आपका ब्लॉग सर्च रैंकिंग में भी आ जाता है, जिससे आपके ब्लॉग में अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। अदरवाइज़ दोस्तों, आप SEO के थ्रू भी अपने ब्लॉग को टॉप रैंक में ला सकते हैं। अगर आप SEO के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी SEO से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप अपना ब्लॉग शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप अपने ब्लॉग को एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर ही बनाएं, इससे आपका ब्लॉग गूगल में जल्दी रैंक होगा। आप फूड, फैशन, ट्रैवल, एजुकेशन, फाइनेंस, फिटनेस पर भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आपको एक ब्लॉग का एग्जांपल दूं तो getagf.in एक ब्लॉग है जिसमें आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो चैटिंग करते वक्त, और रिलेशनशिप के ऊपर ये ब्लॉग बेस्ड है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इस ब्लॉग को 6 महीने पहले ही क्रिएट किया गया है और इस ब्लॉग पे भी गूगल के एड्स आते हैं, जिससे इस ब्लॉग की अर्निंग होती है। दोस्तों, ब्लॉगिंग इतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है। अगर आप इसमें प्रॉपरली काम करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और आप ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। और ब्लॉगिंग की सबसे खास बात यह होती है कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी।
इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जो मैंने वेबसाइट बताई थी getagf.in उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।